कंप्लेंट करने के लिए गए थे, कंप्लेंट करे बोल के आके ऊपर आके घर के ऊपर हमला करे, हमारे 30-40 जने मिलके करे, बच्चा घर पे नहीं था, लेडीज़ के ऊपर हमला करे, उसके बाद बच्चा जो है उसमें कॉल करके बच्चे को बुलाए, बुला के अभी नसीर और समीर और सलमान और ताहिर ये 4-5 जने मिलके पूरा घर पे हमारे 40 लोग आए, पूरे आके पूरा हमला करे हमारे घर के ऊपर, घर के अभी नदीम को अजीम को ले लेके गए पुलिस स्टेशन में, और नदीम ऐसा ही अभी लेके जाके अजीम कुछ अभी 2 पचकड़ मारे गए थे और उनके ऊपर लैंग्वेज सही नहीं को इस्तेमाल कर रहे गए थे, और ये मारवाड़ पल्ली का पीएस जो है ना एक्शन सही लेता नहीं और सही इंसाफ नहीं करता, हमको इंसाफ चाहिए और इंसाफ सही करिए मेरे को। आपका नाम अजीम है, आज मैलारदपल्ली लिमिट में हम लोग एक मैलारदपल्ली पीएस में कंप्लेंट करे, वहाँ पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी, तो मैं जो है मीडिया बुला के हमारे बहन के बारे में बोला करा, तो हमारे बोने साहब जो है 15-20 को लेके मेरे घर पे अटैक कर दिए, तो मैं वहाँ पर नहीं था, मैं दोस्त को छोड़ के मैं आ रहा था, मेरे कार के आईने वहीने फोड़ दिए, मेरे घर में घुस गए, लेडीज़ के ऊपर मारना स्टार्ट कर दिए और घर पर लाता मारना स्टार्ट करे, मैं आया तो मेरे को मारना स्टार्ट करे, फिर वहाँ पर जल्दी हम लोग जो है इमिडिएटली पुलिस को कॉल करे, पुलिस वाले आके जो है मैलारदपल्ली पुलिस स्टेशन में ले गए मेरे को, ले जाके उल्टा कंप्लेनर होल्डर मैं हूँ, तो पुलिस वाले ले जाके वहाँ पर मेरे को पट्टों से मारे और जो है सर पकड़ के डिच्छे मारे मेरे को। मेरी गुजारिश ये है कि सख्त से सख्त एक्शन होना, पीएस को हम लोग 4-5 चक्कर काटे, अभी तक वो पीएस वाले ना एक्शन ले रहे हैं ना हम लोगों को कोई रेस्पॉन्स दे रहे, उन लोगों की सुन रहे हैं और उन लोगों की जो कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि सख्त से सख्त उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, और महमूद अली होम मिनिस्टर साहब से भी मेरी अपील है कि इस पर गौर डालीजिए, अगर ये नहीं हुआ एक्शन तो इंशाल्लाह मैं कमिश्नर ऑफिस जाऊंगा, वहां पर भी जाके करूंगा, और मेरा सर पूरा गुम कर रहा, कान में सुने नहीं आ रहा मेरे को, पुलिस वाले इतना मारे मेरे को, पैरों पे मारे, कान पे फटा बना के मारे और ये सर पकड़ के डिचे मारे, अब ये पूरे घूमड़े आ गए सर पे। मैं उस्मानिया हॉस्पिटल आके जो है MLC कराया, इंशाल्लाह कल सुबह पहुँचूँगा। आपके भोले साहब का नाम समीर खान है और उनके भाई सलमान खान और ताहिर खान और नसीर खान, ये 4 जने 15-20 दोस्तों को फ्रेंड्स को लेके हथियारों के साथ, जैसे कि स्टिक हॉकी और पंच हुए क्या क्या था कि ये होठ पे फैटा मार के मेरा होठ फोड़ दिए, मेरे मुँह से ब्लड निकल रहा था, SI साहब नदीम साहब भी देख रहे हैं वहाँ पर, कॉन्स्टेबल पूरा मैलारदपल्ली के जो जवान है वो लोग भी देख रहे हैं, उल्टा मेरे कुछ पनिश कर रहे हैं, कंप्लेनर होल्डर मैं हूँ, मेरे कुछ पनिश कर रहे हैं, उसको पनिश नहीं कर रहे हैं, मेरे कुछ मार रहे हैं वहाँ पर। अब मैं आया यहाँ पर MLC कराने, फिर हमारे भैया मीडिया को बुलाया, इसलिए बोल रहा हूँ। ये अटैक करने की वजह क्या है आपके? अटैक करने की वजह भैया मेरे बहन के ऊपर, उनके सास जेठ हमारे भौने उनके देवर पूरे जुल्म कर रहे हैं, 4-4 दिन को घर पे भेज दे रहे हैं कि पैसे लेके आ, 20,000-30,000 ऐसा मंगा रहे हैं, जिस दिन हमने पैसे नहीं दिए उस दिन मार के मेरे बहन को घर पे बिठा दे रहे, और ये पूरा गेमलर बोले तो ताहिर खान है जो उनका चिच्छा है, तो उन्हें गेम कर रहा, तो मैं जो है खाली कंप्लेन दे के मीडिया बुला के वहाँ पर हमारे बहन का बयान देने लगाया, तो मेरी कार पे अटैक, मेरी कार तोड़ दिए और मेरे घर पे अटैक करे, अभी इसका कौन जिम्मेदार है? फ्रेंडली पुलिस बोलते हम पुलिस से मदद मांग रहे हैं तो पुलिस हमारी मदद ही नहीं कर रही, उल्टा हमारे कुछ पनिश कर रही पुलिस, तो कहाँ की पुलिस हुई भैया, कहाँ का इंसाफ हुआ, बोलिए आप लोग। हमले की वजह ये है कि आज मेरे नाम पे मैं आज सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, मेरे को भी ऐसे टॉर्चर कर रहे थे, मेरे शौहर सास ससुरे ये उन लोगों का घर है, हमारे ससुराल वालों का वहाँ एक घर है, उन लोगों का गाली गलौज करके मेरे को भी मार के मम्मी गन भगा दिए, तो मैं वो मजबूरी में होके मेरे को ये सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, मगर इन लोग ऐसे टॉर्चर करने की वजह से मैं आज नए पुल पे से कूद जाने वाली थी, तो वो वहाँ के पुलिस स्टेशन वाले मेरे को वहाँ भिजाए, तो आज मेरा ये बयान ऑलरेडी हो चुका है, तो उस वजह से तू कंप्लेन दीज कैसा, आज तेरे भाई का मर्डर करता हूँ बोल के मेरा नसीर खान जो देवर है उन्हें आया और समीर खान आए, आके ये कार फोड़ दिए, कार फोड़ के घर की गेट को मारे, घर में घुस गए थे, सीनों पे मारे औरतों को, अगर उस्मानिया हॉस्पिटल में लेके गए तो इन लोगों के कुछ निशाना भी मिलेंगे, और जो नसीर खान है उन्होंने बोल रहे हैं तेरा भाई को बुला, तेरे भाई को आज गले को चाकू मार के मर्डर कर देता हूँ तेरे भाई को, वो तो बेचारा ना नाम में है ना निशान में है ना कुछ नहीं, क्या गैर जरूरी है उसको बुलाया, देखो अगर इन लोगों को डर नहीं रहता तो इन लोगों के घरों को आप देखिए,
इधर फुफल है उधर फुफल है, पूरे भाग के अहमद चाचा बोल के घर है उनके घर में जाके पूरे छुप के बैठे। ये नसीर खान इतना उचक रहा, उन्हें अपने आप को रॉडी शीटर बोलता उन्हें, आज उसकी वजह से समीर खान और उन लगा पूरे घर वाले 40 लोग एक बच्चे के ऊपर हमला करे, पूरा मुँह में से खून ऐसा जा रहा बच्चे के। मेरा भाई है जो मेरे छोटा अजीम सुल्तान मेरे से छोटा है, उन्हें पूरा मुँह में से खून जा रहा था, चाकुआ निकाल लिए थे, कोई दूसरे जने आके चाकू पकड़ लिए, अगर वो चाकुआ अगर नहीं पकड़ते थे तो आज उसके पेट के आर पार हो जाती थी चाकू। अब भाई को हमारे पुलिस स्टेशन वाले बयान लेने के वास्ते गए, नसीर समीर दोनों फरार हो गए, अहमद चाचा बोल के है उनके घर में है, इल्ला पूरे हमेशा ऐसीज कर रहे, मेरे को भी ऐसीज करने की वजह से मेरे को भी हमारे सास लगा ऐसीज मारे, नसीर भी ऐसीज मारने की वजह से मैं यहाँ आई और मम्मी का नाके बिठा दिया मेरे को, उसी वजह से मैं आज तो आप लोगों को प्रूफ भी मिल गया कि उल्लंघन ऐसा कर रहे हैं बोल के। असदुद्दीन अवैसी साहब और जो समा कमिश्नर साहब से ये बहुत रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे फादर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ये जितने भी मेरे लॉस है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये दोबारा ये लड़कियों के ऊपर ऐसा जुल्म सितम कभी नहीं होना ना, अगर ऐसे लोग अगर दुनिया में रहेंगे तो ये हैरेसमेंट होगा, ये सुसाइड अटैम्प्ट होगा और ये घरों पर औरतों के ऊपर हमला होगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है।